हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का मिश्रा जी टेक्निकल यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आज है 27 फरवरी और आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे आज के दिन के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चंस के बारे में। पूरी वीडियो ध्यान से देखिएगा, पूरी वीडियो डिटेल में समझाई गई है। साथ ही साथ दोस्तों मैंने पुराने दिनों के करंट अफेयर के क्वेश्चंस को भी आपको कनेक्ट करके रिवीजन भी कराया हुआ है, तो पूरी वीडियो आपको ध्यान से देखना है। वीडियो देखने के बाद आप इसकी क्विज भी सॉल्व कर सकते हो। क्विज मिलेगी मिश्रा जी टेक्निकल ऐप पर, वहीं पर आपको ऑडियो रिवीजन भी मिलेगा, पीडीएफ फाइल भी वगैरह मिल जाएगी। चलिए अब बात करते हैं हम लोग दोस्तों लास्ट डे के क्वेश्चंस की। लास्ट डे का पहला क्वेश्चन मैंने पूछा था नीति आयोग के प्रथम उपाध्यक्ष कौन थे, तो अरविंद पनगड़िया जी थे। अगला, एशियन कुश्ती चैंपियनशिप 2021 कहाँ आयोजित किया जाएगा, तो ये कजाकिस्तान में आयोजित किया जाएगा। इस बार का नई दिल्ली में आयोजित किया गया था। दोनों क्वेश्चन के बारे में जिन लोगों ने डिटेल में और करेक्ट आंसर किया उनके नाम मैं आपको वीडियो के एंड में बताऊंगा। चलिए बात करते हैं आज के पहले क्वेश्चन की। आज का पहला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने छात्रों के लिए जगन्नाथ वास्तुदेव योजना शुरू की, तो अभी हाल ही में आंध्र प्रदेश सरकार ने शुरू की है जगन्नाथ वास्तुदेव योजना। अच्छा, वहाँ की लैंग्वेज में इसका एक और नाम है जगन्ना वस्ती दीवना, तो दोनों में से कोई नाम आपको है ध्यान रखना है, यही योजना है आंध्र प्रदेश की। ठीक है, छात्रों के लिए ये योजना शुरू की गई है। अब इसके तहत होगा क्या, इसके तहत जो पोस्ट इंटरमीडिएट में पढ़ रहे स्टूडेंट्स हैं उनको हॉस्टल और कैंटीन के खर्चों के लिए पूरा खर्च देने के लिए ये योजना जारी की है आंध्र प्रदेश की सरकार ने। ठीक है, तो ये योजना दोस्तों टोटल 2300 करोड़ की है, 2300 करोड़ की ये योजना होने वाली है। अब इसमें आईटीआई, पॉलिटेक्निक ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन के कुल 11,87,904 स्टूडेंट को फ़ायदा मिलेगा। ठीक है, अब इसमें जो आईटीआई करेंगे उनको तो 10,000 रुपये मिलेगा वार्षिक, और जो पॉलिटेक्निक करेंगे उनको 15,000, और पोस्ट ग्रेजुएशन और ग्रेजुएशन के छात्रों को 20,000 रुपये दी जाएगी। ठीक है, वार्षिक दिए जाएंगे हर साल, फरवरी और मार्च महीने में दे दिए जाएंगे उनको। ठीक है, दो किस्तों में। तो ये है योजना आंध्र प्रदेश की, क्लियर है। आंध्र प्रदेश दोस्तों फरवरी मंथ में और क्यों क्यों चर्चे में आया था इनको भी हम लोग रिवाइज कर लेते हैं। तो आंध्र प्रदेश ने अभी दोस्तों देश के पहले दिशा पुलिस स्टेशन का उद्घाटन किया था। ठीक है, इसके साथ ही आंध्र प्रदेश ने वाईएसआर पेंशन कनकुआ योजना शुरू की इसी महीने में। भारत की पहली फ्रूट ट्रेन वहीं पर चली थी, अभी इंडियन रेलवे ने चलाई थी भारत की पहली फ्रूट ट्रेन। तो इतने पॉइंट आपको आंध्र प्रदेश से याद रखने हैं। आंध्र प्रदेश के बारे में अब स्टैटिक पॉइंट जानिए। आंध्र प्रदेश की राजधानी अभी है हैदराबाद, आगे 3 राजधानियों के लिए प्रस्ताव पारित हो चुके हैं। कौन कौन से, एक तो अमरावती में, एक कुरनूल में और एक विशाखापत्तनम में। 3 राजधानियां बनाने जाने के लिए वहाँ की विधानसभा में प्रस्ताव पारित हो चुके हैं। जब ये प्रस्ताव अभी जब एक्ट बन जाएगा तब यहाँ की 3 राजधानियाँ हो जाएंगी। जगनमोहन रेड्डी वाईएसआर कांग्रेस पार्टी से यहाँ के हैं चीफ मिनिस्टर, गवर्नर हैं विश्वाभूषण हरिचंद्रन। आंध्र प्रदेश है कहाँ पर, तो ये रहा मैप में आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश से तेलंगाना अलग हुआ था 2 जून 2014 को। ठीक है, तो आंध्र प्रदेश से जब अलग हुआ था तेलंगाना तब बना था ये 29वां राज्य, लेकिन वर्तमान में भारत में 29 नहीं 28 राज्य हो चुके हैं। क्लियर है, क्योंकि जम्मू कश्मीर और लद्दाख यूनियन टेरेटरी बना दिए गए। आंध्र प्रदेश किससे किससे अपना बॉर्डर शेयर कर रहा है, तो ये ओडिशा से, छत्तीसगढ़ से, तेलंगाना से, कर्नाटका से और तमिलनाडु से अपना बॉर्डर शेयर करता है। क्लियर है बिल्कुल। नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट है, हाल ही में भारत और अमेरिका ने कितने बिलियन डॉलर के रक्षा समझौतों पर हस्ताक्षर किए, तो अभी हाल ही में भारत और अमेरिका ने 3 बिलियन डॉलर यानी 3 अरब डॉलर के डिफेंस डील पर हस्ताक्षर किए हैं। ठीक है, और अब इसी के साथ ही चीन को पीछे छोड़कर अमेरिका बन गया है भारत का सबसे बड़ा बिजनेस पार्टनर। अभी तक चाइना से भारत का सबसे बड़ा व्यापार हुआ करता था, लेकिन अब इस डील के बाद अमेरिका बन जाएगा भारत का सबसे बड़ा बिजनेस पार्टनर। क्लियर है, इस डिफेंस डील के तहत दोस्तों इंडिया अमेरिका से वर्ल्ड की बेस्ट टेक्नोलॉजी वाले और एडवांस टेक्नोलॉजी वाले अपाचे हेलीकॉप्टर्स, MH-60 रोमियो हेलीकॉप्टर्स और भी कई एयर डिफेंस सिस्टम्स खरीदेगा। तो भारत और अमेरिका के बीच में ये रक्षा समझौते हुए हैं। जैसा कि आपको पता है 2 दिवसीय भारतीय यात्रा पर थे डोनाल्ड ट्रंप, अमेरिकी प्रेसिडेंट, तो वो आए थे मोटेरा स्टेडियम में, नमस्ते ट्रंप का आयोजन किया गया था। और 2 दिवसीय की पूरी यात्रा के बारे में मैंने आपको डिस्क्राइब किया हुआ था पिछले दिनों के वीडियो में। अब अमेरिका आया है तो अमेरिका के बारे में स्टैटिक पॉइंट जानिए। अमेरिका देख लीजिए मैप में, वाशिंगटन डीसी है यहाँ की राजधानी, यहीं पर दोस्तों है IMF का हेडक्वार्टर और है वर्ल्ड बैंक का हेडक्वार्टर वाशिंगटन डीसी में। डॉलर यहाँ की करेंसी है US डॉलर। कांग्रेस यहाँ की संसद का नाम, डोनाल्ड ट्रंप 45वें प्रेसिडेंट है अमेरिका के। नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट है, हाल ही में किस राज्य में लोसर महोत्सव मनाया गया, तो अभी हाल ही में हिमाचल प्रदेश में लोसर महोत्सव मनाया गया। लोसर महोत्सव ये दोस्तों तिब्बती कैलेंडर के पहले दिन मनाया जाता है, यानी कि इस त्यौहार को तिब्बती नववर्ष के नाम से भी जाना जाता है। ये एक बौद्ध धर्म का त्यौहार होता है लोसर फेस्टिवल।
क्लियर है। तो हिमाचल प्रदेश में ये मनाया गया, हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला में 3 दिवसीय था, ये 3 दिनों का था। अब ये तो है महोत्सव, तो कुछ और भी महोत्सव आए हैं इस फरवरी मंथ में, तो उनको भी हम लोग देख लेते हैं। जैसे 34वां सूरज कुंड मेला आयोजित हुआ हरियाणा में, नर्मदा महोत्सव आयोजित हुआ मध्य प्रदेश में, काला घोड़ा महोत्सव काफ़ी फेमस फेस्टिवल है मुंबई महाराष्ट्र का, हार्निवल फेस्टिवल इस बार पहली बार त्रिपुरा में भी मनाया गया। वैसे ये नागालैंड का फेस्टिवल होता है लेकिन इस बार त्रिपुरा में भी ये मनाया गया पहली बार, हार्निवल महोत्सव। क्लियर है बिल्कुल। अब आया है हिमाचल प्रदेश, तो हिमाचल प्रदेश के बारे में भी जानते हैं। राजधानी यहाँ की शिमला है, जयराम ठाकुर बीजेपी से यहाँ के हैं, चीफ मिनिस्टर गवर्नर हैं बंडारू दत्तात्रेय। शिकारी देवी अभ्यारण्य है हिमाचल प्रदेश में। हिमाचल प्रदेश कहाँ पर है, तो ये रहा मैप में हिमाचल प्रदेश नए इंडिया के मैप में। ये किससे किससे अपना बॉर्डर शेयर कर रहा है, तो हिमाचल प्रदेश दोस्तों उत्तराखंड से अपना बॉर्डर शेयर करता है, उत्तर प्रदेश से अपना बॉर्डर शेयर करता है, हरियाणा से अपना बॉर्डर शेयर करता है, पंजाब से, जम्मू कश्मीर और लद्दाख नाम के 2 यूनियन टेरिटरी से भी अपना बॉर्डर शेयर करता है। क्लियर है। नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट है, हाल ही में चुनाव आयोग ने कितनी राज्यसभा सीटों के लिए मतदान की घोषणा की, तो चुनाव आयोग ने, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने दोस्तों राज्यसभा की 55 सीटों के लिए, कितनी सीटों के लिए, 55 सीटों के लिए चुनाव की घोषणा की है, मतदान की घोषणा की है, जो कि आयोजित किए जाएंगे 26 मार्च को। कब? 26 मार्च को आयोजित किए जाएंगे और उसी दिन शाम को ये रिजल्ट की काउंटिंग भी शुरू हो जाएगी चुनाव की। तो ये 55 जो सीटें होंगी ये 17 राज्यों की होंगी, भारत के 17 राज्यों की ये 55 सीटें होंगी राज्यसभा के लिए। क्लियर है बिल्कुल। अब राज्यसभा आया है, तो राज्यसभा के बारे में हम लोग कुछ पॉइंट्स जान लेते हैं जो कि जानना आपके लिए ज़रूरी होता है। उपराष्ट्रपति जो होता है भारत का, वही राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। तो राज्यसभा का सभापति पूछा जाए तब आप उपराष्ट्रपति का नाम बता दीजिएगा। राज्यसभा दोस्तों एक अस्थायी सदन होता है और भारत का उच्च सदन होता है। मैंने आपको बताया है कई बार कि संसद 3 सदनों से मिलकर बनता है, राज्यसभा, लोकसभा और राष्ट्रपति। ठीक है, राष्ट्रपति सदन नहीं होता है लेकिन सदन का दर्जा इसे मिलता है। राज्यसभा जो होता है वो उच्च सदन होता है, लोकसभा होता है निम्न सदन या आम सदन कहा जाता है, और राष्ट्रपति। बिना इन तीनों के सहमति के कोई भी कानून नहीं बनता है, इन तीनों की सहमति जरूरी होती है किसी भी कानून को लागू करने के लिए। क्लियर है। तो राज्यसभा के बारे में हम लोग फोकस करते हैं। इसके सदस्यों का कार्यकाल दोस्तों 6 वर्षों का होता है, 6 वर्षों का होता है, लेकिन ये अस्थायी है क्योंकि ये कभी भंग नहीं की जा सकती है एकाएक, जैसे लोकसभा होता है, लोकसभा एक साथ भंग की जा सकती है, लेकिन राज्यसभा भंग नहीं की जा सकती है, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। इसकी सीटें कैसे फिल होती है, राज्यसभा की चुनाव प्रक्रिया के बारे में ध्यान से समझिएगा, बहुत ही कन्फ्यूज़न वाला है। देखिए, इसके 1/3 सदस्य हर दूसरे वर्ष रिटायर होते हैं और उतने के ही नए चुनाव में अपॉइंटमेंट होती है, यानी कि नए चुनाव के बाद उतने ही सदस्य आते हैं। ठीक है, तो 1/3 सदस्य कैसे आते हैं इसको हम लोग एग्जाम्पल के तौर पर समझेंगे, बहुत अच्छे से ध्यान से समझिएगा। मान लीजिए 2016 में कोई चुनाव होता है, ठीक है, तो 2016 में 1/3 सदस्यों के ऊपर चुनाव होता है, एक बार में 1/3 सदस्यों पर ही चुनाव होता है राज्यसभा में। ठीक है, तो 2016 में जो होगा तो इन लोगों का कार्यकाल चलेगा 6 वर्षों तक, यानी 2022 में ये लोग रिटायर होंगे जो 2016 में आए थे। फिर अगली बार 2 वर्षों बाद यानी कि 2018 में चुनाव होगा, तो जब 2018 में चुनाव होगा तो उसमें भी 1/3 सदस्य आएंगे राज्यसभा में, फिर अगले 1/3 सदस्य जो थे वो रिटायर हो जाएंगे। फिर 2020 में यानी 2 वर्षों बाद 2020 में होगा अगला चुनाव, उसमें भी 1/3 नए सदस्य आएंगे और पुराने सदस्य हट जाएंगे, ठीक है, रिटायर हो जाएंगे। अब ये जो थे 2016 वाले, इनका क्योंकि कार्यकाल 2022 में कंप्लीट हो रहा है, तो ये इनका चुनाव होगा, जब ये रिटायर होंगे तो इनकी जगह पर 1/3 सदस्यों का चुनाव होगा अगले राज्यसभा सीटों के लिए। क्लियर है। तो यानी कि 1/3 सदस्य हर दूसरे वर्ष रिटायर होते हैं, इस प्रकार से चलती है चुनाव प्रक्रिया, इसी वजह से राज्यसभा को कभी भंग नहीं किया जा सकता है। क्लियर है बिल्कुल, आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। अब कौन कौन लोग चुनाव करते हैं इसके बारे में डिटेल में मैं जानकारी की जब स्पेशल वीडियो बनाकर दूंगा आपको राज्यसभा की वीडियो में, तो उसमें आपको बताऊंगा, क्योंकि ये वीडियो लंबी ना जाने पाए। इतना जान लीजिए, राज्यसभा में सीटों की टोटल संख्या दोस्तों 245 होती है, इसमें 12 सदस्यों को राष्ट्रपति मनोनीत करता है। क्लियर है बिल्कुल। नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट है, इसरो ने 5 मार्च 2020 को कौन सी सैटेलाइट लॉन्च करने की घोषणा की। तो इसरो दोस्तों 5 मार्च 2020 को GSAT-1 सैटेलाइट लॉन्च करेगा, यानी जियो इमर्जिंग सैटेलाइट 1 नाम का ये सैटेलाइट लॉन्च करेगा इसरो। कहाँ से लॉन्च करेगा? सतीश धवन स्पेस सेंटर श्रीहरिकोटा के दूसरे लॉन्च पैड से ये लॉन्च करेगा। GSAT-1 दोस्तों ये टोटल इसका वजन है 2275 किलोग्राम का ये सैटेलाइट है। बेसिकली ये अर्थ ऑब्जर्वेशन के लिए लॉन्च किया जा रहा है सैटेलाइट। ठीक है, और इसे किसके द्वारा लॉन्च किया जा रहा है?
तो इसे GSLV-F10 द्वारा लॉन्च किया जा रहा है, जियो सिंक्रोनस ट्रांसफर ऑर्बिट में इसे रखा जाना है। किसके द्वारा लॉन्च किया जाएगा? इसरो द्वारा। क्लियर है? इसरो आया है तो इसरो के बारे में थोड़ा सा जानिए। इसरो इंडियन स्पेस एजेंसी है दोस्तों, इसका फुल फॉर्म होता है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। इसके के सिवान जी हैं अध्यक्ष वर्तमान में। 1969 में इसकी स्थापना हुई थी, 1969 में 15 अगस्त के दिन। नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट है, किस देश के राष्ट्रपति 4 दिवसीय भारत यात्रा पर आए? तो दोस्तों म्यांमार के प्रेसिडेंट अभी हाल ही में 4 दिवसीय भारत यात्रा पर आने वाले हैं। म्यांमार के प्रेसिडेंट विन मिंत हैं, ये 4 दिवसीय भारतीय दौरे पर आएंगे। म्यांमार की प्रथम महिला के साथ होंगे, यानी इनकी पत्नी डाओ चो, उनके साथ ये आएंगे। अक्षरधाम मंदिर में दर्शन करेंगे और राजघाट में महात्मा गांधी जी को ये श्रद्धांजलि भी देंगे। उसके बाद कई समझौते पर हस्ताक्षर भी होंगे। तो ध्यान रखिएगा, म्यांमार के प्रेसिडेंट 4 दिवसीय भारत यात्रा पर आए और अमेरिका के प्रेसिडेंट 2 दिवसीय भारत यात्रा पर आए थे, डोनाल्ड ट्रंप। क्लियर है? तो म्यांमार आया है तो म्यांमार के बारे में थोड़ा सा जानिए। म्यांमार की राजधानी न्यायपिताओ, यहाँ के प्रेसिडेंट विन मिंत हैं, यहाँ की करेंसी होती है क्यात या बुर्मिस क्यात, म्यांमार का पुराना नाम बर्मा होता है। नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट है, NHPC के नए अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक कौन बने? तो NHPC के नए चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर बन गए हैं दोस्तों अभय कुमार सिंह। अभय कुमार सिंह ये आए हैं रतीश कुमार के स्थान पर। इससे पहले रतीश कुमार थे इसके चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर, अब अभय कुमार सिंह होंगे NHPC के। NHPC क्या है? नेशनल हाइड्रोलिक पावर कॉरपोरेशन। NHPC आया है तो इसके बारे में भी थोड़ा सा जानिए। 1975 में 1975 में इसकी स्थापना हुई थी, फरीदाबाद में इसका हेडक्वार्टर है और अभय कुमार सिंह जी अब बन गए हैं नए CMD। नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट है, बिम्स्टेक म्यांमार थाईलैंड से भारत तक कितनी लंबी बिजली ग्रिड यानी पावर ग्रिड स्थापित करेगा? तो बिम्स्टेक दोस्तों म्यांमार थाईलैंड से होते हुए भारत तक 3000 किलोमीटर की पावर ग्रिड स्थापित करने की घोषणा किया है। अभी हाल ही में बांग्लादेश की राजधानी ढाका में बिम्स्टेक कंट्रीज के बीच एक एनर्जी सहयोग बढ़ाने पर सम्मेलन आयोजित किया गया था, तो उसी में इसकी घोषणा की गई है। ठीक है, बिम्स्टेक क्या होता है? तो बिम्स्टेक दोस्तों होता है एक संगठन है 7 देशों का। इसके बारे में मैंने आपको बहुत बार बताया है। इसकी फुल फॉर्म होता है बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन। अच्छा, अभी कुछ ही दिन पहले इसी मंथ में दोस्तों भुवनेश्वर में बिम्स्टेक आपदा प्रबंधन अभ्यास आयोजित किया गया था, तो उसमें 2 देशों ने हिस्सा नहीं लिया था। ये दोस्तों मैंने आपको कहा था कि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा, भूटान और थाईलैंड इस बार हिस्सा नहीं लिया था। ठीक है, केवल 5 देशों ने हिस्सा लिया था। बिम्स्टेक में कितने सदस्य हैं? टोटल 7 सदस्य देश हैं। कौन कौन से हैं? भारत है, म्यांमार है, बांग्लादेश, भूटान, नेपाल, थाईलैंड और श्रीलंका। ठीक है, तो ये 7 देश हैं। बिम्स्टेक की स्थापना 1997 में हुई थी, वर्तमान में अध्यक्षता श्रीलंका के पास है। क्लियर? नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट है, हाल ही में कहाँ पर सांस्कृतिक उत्सव वसंतोत्सव का आयोजन किया गया? तो अभी हाल ही में गुजरात की राजधानी गांधीनगर में वसंतोत्सव का आयोजन किया गया। वसंतोत्सव एक सांस्कृतिक उत्सव है दोस्तों, ये गांधीनगर के संस्कृति कुंज में आयोजित किया गया और ये एक भारत श्रेष्ठ भारत के विषय पर आयोजित किया गया था, वसंतोत्सव। क्लियर है? बिल्कुल। नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट है, नासा के अंतरिक्ष मिशन को सफल बनाने वाली किस प्रसिद्ध गणितज्ञ का निधन हो गया? तो अभी हाल ही में कैथरीन जॉनसन का निधन हो गया दोस्तों। ये अपनी कैलकुलेशन से नासा के स्पेस मिशन को सक्सेस बनाने के लिए जानी जाती थी। नासा की ये काफ़ी फेमस साइंटिस्ट थी, 101 वर्षों की उम्र में इनका निधन हो गया। ये सबसे ज़्यादा फेमस तब हुई दोस्तों जब 2016 में इनके ऊपर एक मूवी बनी थी, फिल्म बनी थी और उस मूवी को ऑस्कर में नॉमिनेट किया गया था। तो कैथरीन जॉनसन अभी हाल ही में 101 वर्षों की उम्र में इनका निधन हो गया है। क्लियर है? तो बस दोस्तों, फिलहाल आज के दिन के करंट अफेयर के क्वेश्चन से बस इतना ही। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो अगर पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा और अगर आप चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना हाईएस्ट क्वालिटी करंट अफेयर पाने के लिए। और दोस्तों, आज लास्ट 6 मंथ की डिटेल करंट अफेयर की ई बुक लॉन्च हो रही है। सितंबर 2019 से फरवरी 2020 तक का डिटेल करंट अफेयर उसमें दिया गया है, लॉन्च हो जाएगी आज। कल कुछ प्रॉब्लम आ गई थी, कुछ चीज़ें अभी उसमें बाकी था काम, इस वजह से नहीं लॉन्च हो पाया। और हाँ, कोशिश कीजिएगा आप लोग MJT ऐप से जाकर परचेज करने की। अगर आप MJT ऐप से परचेज करते हैं तो आपको ट्रांजेक्शन चार्जेस वगैरह नहीं देने पड़ेंगे, साथ ही साथ ई बुक डिलीट होने का भी कोई टेंशन नहीं रहेगा। एप्लीकेशन को रेगुलर अपडेट किया कीजिए दोस्तों, नए नए बग फिक्स किए जाते हैं, अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो नए अपडेट में उसे सॉल्व किया जाता है, इसलिए एप्लीकेशन को आप लोग हमेशा अप टू डेट रखिए। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन ऑफ द डे की। आज का पहला क्वेश्चन है आपके लिए, वर्तमान में कॉमनवेल्थ देशों के संगठन में कितने देश हैं? अगला है, मिस यूनिवर्स 2019 की विजेता किस देश की हैं? दोनों ही क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, दोनों के बारे में आपको जो भी पता हो आप लोग डिटेल में लिखने का प्रयास कीजिएगा।
चलिए बात कर लेते हैं उन लोगों के नाम की जो लोग कल की वीडियो में जो क्वेश्चन पूछे गए थे उसके डिटेल में उन्होंने आंसर किए थे। तो उनके नाम है गुड्डू कुमार, सुरभि गुप्ता, शुभम कुमार, चरण सिंह, हर सत्या, सुमित राठौर, हर सोनी, दीपिका उइके, मोहम्मद सलीम खान, नेहा शर्मा, राकेश ढाका, मधु स्मिता, श्याम शेर कुमार, जय चौधरी, गुरुदेव यादव, मंटू कुमार और संतोष राजवल। सब्सक्राइब करके रखिए दोस्तों चैनल को, बेल आइकन को प्रेस करके रखिए। आगे आने वाले समय में बहुत अच्छी अच्छी वीडियो आने वाली है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। सब्सक्राइब नाउ एंड प्रेस द बेल आइकन, नेवर मिस एन अपडेट।